अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जल जीवन मिशन के तहत मेरे विधानसभा क्षेत्र में अब तक जितना कार्य हुआ है उस कार्य के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है कि वहाँ पे पूर्ण कार्य कर दिया हो। हर गांव में 2 गली 4 गली 5 गली में कार्य प्रारंभ करके ठेकेदार अन्य जगह जाके अपना काम कर लेता है और पूर्व से JJY के तहत जो कार्य पाइपलाइन का काम चल रहा था, पाइपलाइन के सुचारू जल की व्यवस्था हो रही थी उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उन ठेकेदारों को बाध्य किया जाए कि जो काम हाथ में लिया उस गांव का काम पूरा करे पहले, उसके आगे दूसरा करे। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10% राशि विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी में जमा कराने की जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सरकार की तरफ से कराएंगे, मंत्री महोदय आप यहाँ विराजमान है, जल संसाधन मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप राज्य सरकार ने घोषणा की है 10% राशि कि राज्य सरकार जमा करवाएगी जल जीवन मिशन के तहत, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश लोगों ने वो राशि जमा करा दी है, उनके बारे में सरकार क्या निर्णय लेगी, क्या उनको वो राशि पुनः लौटाई जाएगी, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ उन्होंने गलियों में काम किया है वह सीसी रोड को तोड़ के रख दिया है और वहाँ पे आगे किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है और पहले से सुचारू व्यवस्था को भी उन्होंने छिन्न भिन्न कर दी है और कई मंत्री महोदय कई अनियमितता है। मैं लिखित में आपको देना चाहता हूँ मंत्री महोदय कि JJM के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, मैं आपको लिखित में दूंगा, अन्यथा अगर इसको सुचारू रूप से आपने प्रारंभ नहीं किया तो मजबूर होके मुझे जिला कार्यालय के सामने धरना देना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो मैं अनशन भी करूंगा। धन्यवाद। से पुखराजगढ़